बहुत दुख, पीड़ा और निराशा होती है यह देखकर कि योग अभ्यास को क्या बनाकर रख दिया गया है। और इससे भी ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब आप लोगों के माध्यम से ईमेल और कमेंट्स करके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल काले करने के लिए योग बता दीजिए, पतले होने के लिए योग बता दीजिए, कमर पतली करने के लिए योग बता दीजिए, चेहरे को चमकाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए योग अभ्यास बता दीजिए। तब एहसास होता है कि योग अभ्यास की या योग के मार्ग की इतनी ज़्यादा दुर्गति पहले कभी भी नहीं हुई। योग अभ्यास, योग एक जीवन जीने की पद्धति है, एक जीवन जीने की कला है, एक सात्विकता का, पवित्रता का मार्ग है, जिसके ऊपर चलकर आत्म साक्षात करके, ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके इस जीवन को सार्थक बनाया जाता है। परंतु बाल काले करने, चेहरे को चमकाने, सुंदर दिखने, कमर पतली करने, बाल लंबे करने तक ही इसको सीमित करके रख दिया गया है और इन्हीं चीज़ों को अपना लक्ष्य बनाकर अभ्यास किया जा रहा है। सुनने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि बाल काले करने के लिए योग, चेहरे को सुंदर दिखाने के लिए, चमकाने के लिए, पतले होने के लिए, कमर पतली हो जाए। बहुत सारे इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं जो सुनकर पढ़कर भी बहुत अजीब लगता है। और इससे भी ज़्यादा दुख और पीड़ा तक और तकलीफ तब होती है जब बड़े बड़े योग शिक्षक भी ऐसी वीडियोस बनाने लग जाते हैं और इन्हीं विषयों पर बहुत खुल के चर्चा करते हैं, जिन्होंने योग के, योग अभ्यास में से योग के मूल को ही हटा दिया है। तब और भी ज़्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि योग शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और दायित्व है कि वह योग अभ्यास के मूल को, योग का जो असल स्वरूप है, रूपरेखा है, उससे लोगों को परिचय करवाएं, उससे परिचित कराएं। परंतु जब योग शिक्षक भी बाल काले करने, चेहरे को चमकाने और कमर पतली करने के ऐसे विषयों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और योग अभ्यास में से योग का मूल ही हटा देते हैं, तब और भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होती है। कम से कम योग शिक्षकों को तो इस विषय में और अपने अंदर सुधार अवश्य ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी आपकी जिम्मेवारी है और आपका कर्तव्य भी है। क्योंकि अधिकांश लोग योग के मार्ग से भटक कर केवल उसको शारीरिक लाभ प्राप्त करने का उसको लक्ष्य बनाकर ही अभ्यास कर रहे हैं, जिससे जो लोग योग के बारे में रुचि रखना चाहते हैं या योग अभ्यास के मार्ग पर आगे चलना चाहते हैं, उन तक ठीक जानकारी नहीं पहुंच पाती। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स आते हैं इसी संदर्भ में कि बाल काले, चेहरे को चमकाने, पतली कमर करने के लिए हमें योग अभ्यास बता दें। तो आप सब लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे द्वारा ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाई जाएगी जिससे कि योग के मूल को चोट पहुंचे या योग के नाम पर आपको गलत जानकारी दी जाए। ऐसा करने से बहुत सारे योग साधक अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इसीलिए मेरे द्वारा या मेरे चैनल के द्वारा ऐसी कोई भी कार्य, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी, कोई भी इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाई जाएगी जिससे योग के मूल को चोट पहुँचे और जो जानकारी योग की ग्रंथों के माध्यम से आप तक मेरे द्वारा पहुंचनी है वह ना पहुंच पाए। हमारा प्रयास यही है कि इस चैनल के माध्यम से आपको योग अभ्यास की ठीक ठीक और वास्तविक जानकारी मिल सके, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता, पवित्रता आए और आप सात्विकता के मार्ग पर आगे चल पाएँ। यदि इन्हीं विषयों के ऊपर आपको जानकारी चाहिए तो बहुत सारे अनेक YouTube पर वीडियोस हैं जो इस विषय पर बहुत लगभग 80-90% तक YouTube पर योग के ऊपर जो वीडियोस हैं वे केवल शारीरिक लाभों तक ही उसको सीमित करके रख दिया है। तो आप वहां से लाभ प्राप्त ज़रूर कर सकते हैं, उसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, परंतु मेरे द्वारा इस प्रकार की कोई भी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। एक बात को और समझ लें, यदि
भीतर पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, तो चेहरा भी स्वयं ही चमकेगा। चेहरे को चमकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चेहरे के ऊपर रौनक भी आएगी, चमक भी आएगी, आप सुंदर भी दिखेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। परंतु यदि इन्हीं क्षुद्र बातों को अपना लक्ष्य बनाकर योग अभ्यास करेंगे तो आपको ना शारीरिक लाभ प्राप्त होंगे और ना ही योग के संदर्भ में आप कुछ जान पाएंगे, क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर प्रकट होता है। तो इसीलिए योग अभ्यास को योग अभ्यास की तरह ही करें। और योग शिक्षकों से एक बार फिर से अपील है, निवेदन है कि गलत जानकारी या ऐसी कोई भी वीडियोस ना बनाएं जिससे योग के नाम पर केवल व्यायाम या गलत जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग अपने मार्ग से भटक जाएं। तो ऐसा कार्य ना करें।